हाउ आर यू? आई होप यू आर सो गुड। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं? लग तो रहा नहीं, कोई अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रहा। होमवर्क कंप्लीट किया करो। ओके चलो, प्रीवियस क्लास वीडियो वी विल डिस्कस्ड सम टॉपिक्स, दैट इज रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स एंड अ पार्ट ऑफ ए सीड एंड देयर फंक्शन। ओके टुडे वी विल डिस्कस्ड नेक्स्ट टॉपिक, डिस्पर्सर ऑफ सीड्स। डिस्पर्सर ऑफ सीड, सीड का जो है बिखराव, फैलाव कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके नाउ स्टार्ट्स। प्लांट्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। प्लांट्स जो होते हैं वह अपने आप मूव नहीं कर सकते हैं, मतलब वो घूम नहीं सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं। सो इसलिए नेचर एंड एनिमल्स हेल्प द सीड टू ट्रेवल अवे फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट एंड ग्रो इन सम अदर प्लेसेस। इट मीन्स प्लांट्स जो होते हैं, पौधे होते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पे खुद तो जा नहीं सकते, इसलिए नेचर जो प्रकृति है और एनिमल्स उनकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, क्योंकि पौधे की सीड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में मदद कौन करता है? एनिमल और नेचर। ओके किससे दूर ले जाता है? अवे फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट, उनके जो जनक पादप हैं उनसे क्या करते हैं? दूर ले जाते हैं। ओके एंड ग्रो इन सम अदर प्लेस, और क्या करते हैं? अदर प्लेस पर ग्रो करते हैं। ओके द प्रोसेस बाय विच, एक मिनट, द प्रोसेस बाय विच सीड आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स बाय विंड, वाटर, बर्ड्स एंड इंसेक्ट इज नोन एज डिस्पर्सल ऑफ सीड। ताकि जो इस प्रक्रिया के द्वारा, दिस प्रोसेस बाय विच, इस प्रक्रिया के द्वारा जो सीड्स होते हैं उनका फैलाव होता है कहाँ कहाँ? अलग अलग प्लेस पर। किसके द्वारा? बाय विंड, वाटर, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। ओके और इसी जिस प्रक्रिया के द्वारा बीज का बिखराव होता है उसी को क्या कहते हैं? डिस्पर्सर ऑफ सीड। क्या बोलते हैं? डिस्पर्सर ऑफ सीड्स। ओके नेक्स्ट है डिस्पर्सर बाय विंड्स। अब हवा के द्वारा कैसे फैलाव होता है, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिखर जाता है, बीज दूसरे जगह ग्रो करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके द सीड विच आर स्कैटर्ड बाय विंड आर यूजली स्मॉल एंड लाइट। कह रहे हैं बीज जो कि स्कैटर्ड होता है, बिखेरा जाता है बाय विंड, हवा के द्वारा, जो कि यूजली स्मॉल एंड लाइट होता है, छोटा और क्या होता है? लाइट, हल्का होता है। यहाँ लाइट का मतलब हल्का होता है, जो आसानी से हवा में उड़ सके। डैंडेलाइन एंड कॉटन सीड हैव लॉन्ग एंड फाइन हेयर सराउंडिंग देम। कह रहा है कि डैंडेलाइन है और कॉटन है, उनके जो सीड होते हैं उनके सीड के ऊपर क्या होता है? हेयर्स होते हैं, लॉन्ग हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होती है चारों तरफ, जो कि बड़े होते हैं, अच्छे होते हैं, ठीक है, जिसके वजह से वह आसानी से उड़ सकते हैं। ठीक है, दीज मेक्स इट ईजी फॉर द विंड टू कैरी द सीड अवे। कह रहा है कि ये जो यहाँ देखो स्ट्रक्चर में, फिगर स्ट्रक्चर में बनाया हुआ है ऐसे स्ट्रक्चर, कॉटन सीड आपने देखा होगा उसमें लगा रहता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वाइट वाइट कलर का, जो कि उड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, हवा उसको आसानी से सीड सहित उसको दूर ले जा सकता है। ओके सम सीड सच एज मैपल्स एंड ड्रम्स स्टिक्स हैव
विंग्स अटैच टू देम हेल्प देम टू फ्लोट इन एयर। कह रहे हैं कि जो कुछ बीज ऐसे होते हैं जो कि जैसे कि मैपल्स हैं, ड्रम स्टिक्स हैं, वो क्या करते हैं, हवा, उनके उनके भी बींग लाइक स्ट्रक्चर होती है, बींग से अटैच होते हैं, पंखों से अटैच होते हैं, और अटैच होके विच हेल्प देम टू फ्लोट, और उनको हवा में तैरने के लिए मदद करते हैं, मतलब उनको पंख जैसी संरचना मिल जाती है जिसके वजह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है डिस्पर्सर बाई वाटर। अब वाटर से कैसे डिस्पर्स होता है, उनका फैलाव होता है, प्रकीर्णन होता है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं इसके बारे में। द सीड ऑफ वाटर, द सीड्स ऑफ वाटर प्लांट्स आर प्लांट्स डैट ग्रो नियर द वाटर आर डिस्पर्ड बाई द फ्लो ऑफ वाटर। कह रहा है कि वाटर प्लांट सीड, मतलब जो वाटर प्लांट होते हैं, जलीय पौधे होते हैं, या वे पौधे जो जल के किनारे, वाटर के किनारे जो होते साइड में या वाटर के पास में ग्रो करते हैं, उनका डिस्पर्सर कैसे होता है, फ्लो बाय वाटर, वाटर के द्वारा फ्लो करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जाते हैं। ठीक है, ए लोटस फ्रूट्स इज स्पंजी। ठीक है, जो लोटस होता है उसका जो फ्रूट होता है स्पंजी होता है। इट फ्लोटेड ऑन, इट फ्लोट्स ऑन वाटर एंड सो इट मूव अवे विद द फ्लो। कह रहा है कि क्या होता है कि वाटर पे आसानी से तैर सकता है, फ्लो कर सकता है, फ्लोट तैर सकता है, इसलिए यह मूव अवे, यह मूव गति करते हुए, मूव करते हुए विद द फ्लो, फ्लो के साथ तैरते हुए दूर चला जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है। कोकोनट ट्रीज ग्रो नियर द वाटर, जो कोकोनट का ट्री होता है वो भी कहाँ ग्रो करता है, नियर द वाटर, वाटर के पास में ग्रो करता है। ये कोकोनट फ्रूट हैव थिक फाइबरस कवरिंग विच एनेबल्स इट टू फ्लोट टू इन वाटर। कह रहे हैं कि जो कोकोनट का ट्रीज होता है वो वाटर के करीब में, निकट में ग्रो करता है, और वाटर जो कोकोनट का फ्रूट होता है वो थिक, जो थिक फाइबरस कवरिंग से ढका होता है, जो कि फ्लोट इन वाटर, पानी में तैरने में मदद करता है। आपने नारियल तो देखा ही होगा, यहाँ देखिए नारियल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, नारियल देखा होगा, जब वो सूख जाते हैं तो आपने देखा रेशेदार होता है, और अगर आप सूखा हुआ नारियल देखेंगे तो बहुत ही हल्का महसूस होता है, और उसको आप पानी में डालेंगे तो तैरने लगेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है डिस्पर्सल बाई बीन। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ईट फ्लैशी फ्रूट्स एंड थ्रो अवे देयर सीड इन डिफरेंट प्लेसेस। दीज सीड्स जर्मिनेट इन टू न्यू प्लांट्स ऑन गेटिंग एप्रोप्रिएट कंडीशंस आर फॉर ग्रोथ। सिमिलरली बर्ड्स ईट फ्रूट्स एंड शॉलो देयर सीड्स। द अनडाइजेस्टेड सीड्स देन कम आउट एज इट इन देयर फीकस एंड जर्मिनेटेड इन टू न्यू प्लांट्स। अब यहाँ कह रहा है कि ह्यूमन बींग, जो मानव जाति हैं और एनिमल्स हैं, वह क्या करते हैं, स्वादिष्ट फल को खाते हैं, खाते हैं ना, और उसके सीड को, देयर सीड थ्रो अवे, दूर फेंक देते, डिफरेंट प्लेस, भिन्न भिन्न स्थानों पर उसके सीड को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। दीज सीड जर्मिनेट, या सीड जो होता है जर्मिनेट करता है, अंकुरित होता है, अंकुरित होकर इंटू न्यू प्लांट्स, और ये नए प्लांट्स में ग्रो करता है, गेटिंग एप्रोप्रिएट, जब उसका अनुकूलित वातावरण आता है, कंडीशन वातावरण आता है, तब वह ग्रो करता है। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार बर्ड्स जो होते हैं वो फ्रूट को खाती हैं। ठीक है, खाने के बाद उसके सीड, कभी कभी उनको सीड को भी खा जाते हैं। ठीक है, उस फ्रूट को, फ्रूट भी खाती हैं और उसके साथ साथ उसके सीड को भी खा जाती हैं। जब वो जो सीड खाती है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, अनडाइजेस्टेड सीड्स देन कम आउट एज इट, जो अनडाइजेस्टेड है, अपचित सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो उनके फीकस के रास्ते बाहर आ जाते हैं और जर्मिनेट होके, अंकुरित होके, और नन्हे पौधे को ग्रो करा देते हैं। ठीक है, फीकस का मतलब होता है उन, वो जो बीट करते हैं, ठीक है, वहाँ से वो निकल के आता है और नया पौधा जर्मिनेट कर लेता है। ठीक है,
नेक्स्ट है डिस्पर्सर बाय एक्सप्लोशन, कह रहा है कुछ ऐसे होते हैं जो पौधे कुछ ऐसे होते हैं जो कि खुद ही टूटकर अलग हो जाते हैं और अलग होके और वह डिस्पर्स हो जाते हैं, बिखरित प्रकीर्णित हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। द फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ पौधे के फ्रूट्स ऐसे होते हैं, फल ऐसे होते हैं, सच जैसे कि बीन जो सेम है, पी मटर है, मिल्कवीड एंड पॉपी, ब्रश्ड ओपन व्हेन दे आर राइप एंड स्कैटर द सीड इन ऑल डायरेक्शंस, दीज मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्सर इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। ओके, कह रहे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे कि बीन हो गया, पीज हो गया, पी हो गया, मिल्कवीड हो गया एंड पॉपी हो गया, यह जब पक जाते हैं तो यह खुद ही फट कर ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं, फट जाते हैं और उसके बाद उनके बीज जो होते हैं आर डायरेक्शन सभी दिशाओं में बिखर जाते हैं। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को, दिस मैकेनिज्म, इसी प्रक्रिया को, इसी क्रिया को क्या कहते हैं, डिस्पर्सन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। यही जो प्रक्रिया है डिस्पर्सन है, इसी को क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन कहते हैं। ओके, यहाँ वर्क दिया हुआ है आपका, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, इसको अभी आपको करके भेजना है। आउटर कवरिंग ऑफ ए सीड क्या कहलाता है, आउटर कवरिंग ऑफ सीड आपको लेसन में फर्स्ट टॉपिक जब पढ़ाए थे तो वहीं समझाए थे। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट्स, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो बीज होते हैं वह अपने पेरेंट्स से अलग दूर चले जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, अभी हमने पढ़ा है, तुरंत जस्ट पढ़ा है, द एजेंट विच डिस्पर्सेज सीड हैविंग विंग्स और हेयर ऑन देम, अभी जस्ट पढ़ा उसको क्या कहते हैं, इसको आप सेंड करके भेजेंगे, लिखेंगे और सेंड करेंगे। ओके, बाकी अगर नहीं लिख पाते तो इसका आंसर हम कल बताएंगे। ओके, और कल हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्या हम लोग का टॉपिक, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके स्टूडेंट्स।